जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश एक नज़र में। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान दोस्तों हम कवर कर रहे हैं, जो कि जेल वार्डन, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लोअर पीसीएस सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा खास वीडियो है दोस्तों। उत्तर प्रदेश एक नज़र में फुल टू फाइनल एक एक पॉइंट आप सभी को बताया जाएगा कि कब क्या हुआ दोस्तों। ऐसे ही मज़ेदार और लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि राज्य का नाम, जो राज्य के नाम थे, यानी कि वैसे तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश से पहले भी दोस्तों इसके जो नाम थे वो क्या क्या रहे। चलिए राज्य के जो नाम रहे थे दोस्तों, 1836 से आगे की बात मैं आपको बता रहा हूँ। 1836 से उत्तर प्रदेश का जो नाम पड़ा था वो पड़ा था उत्तर पश्चिम प्रांत। तो आपसे पूछेगा 1836 में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जानते थे, तो उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से। 1902 से क्या नाम से जानते थे, संयुक्त प्रांत। ठीक है, संयुक्त प्रांत हुआ क्या, अवध एवं आगरा। ठीक है, अवध एवं आगरा को दोस्तों इसे मिलाकर क्या बोला गया, इसे संयुक्त प्रांत नाम बोला गया। ठीक है, याद रखिएगा 1902 में उत्तर प्रदेश का नाम था संयुक्त प्रांत, और 1937 से केवल संयुक्त प्रांत। ठीक है, केवल और केवल क्या, संयुक्त प्रांत बोला गया। 26 जनवरी 1950 से क्या बोला जा रहा, उत्तर प्रदेश। तो आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा। ठीक है, उत्तर प्रदेश नाम पड़ा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, याद रखिएगा। अब राजधानी कब से कहाँ कहाँ और रही हैं, कब तक रही हैं, देखिएगा 1858 तक जो इसकी राजधानी थी उत्तर प्रदेश की वो रही थी आगरा। ठीक है, 1858 से 1921 के बीच राजधानी रही इलाहाबाद। ठीक है, और 1921 से दोस्तों जो राजधानी है वो है लखनऊ। तो ये भी पूछ सकता है कि जो राजधानी है लखनऊ, ये कब बनाई गई थी, 1921 में, और 1921 से कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। देखिए अभी आप सभी को थोड़ा इसके बारे में बता दूं, आप लोग जानते होंगे मुख्यमंत्री अब इस समय योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, और मैं आप सभी को उप मुख्यमंत्री भी बता दूं, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा हैं। ठीक है भाई, क्लियर है ना। राजधानी कहाँ पर है, राजधानी लखनऊ है, और प्रदेश का पूर्ण नाम संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस भी दोस्तों इसका था। संभागों यानी मंडलों की संख्या दोस्तों 18 है। डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में 75 है। क्लियर हो गया। तहसीलों की संख्या 313, और जो विश्वविद्यालय है ना, विश्वविद्यालय पूछे जाते हैं दोस्तों, उनकी संख्या 53 है। तहसीलों की संख्या 313 है। तो ये पॉइंट भी आप लोग इसके साथ में डिस्कस करते चलिएगा दोस्तों। ये पूछा जाता है जो उत्तर प्रदेश का विधानमंडल है वो कैसा है, तो वो है दोस्तों द्विसदनात्मक। ठीक है, वो कैसे कैसे, विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है दोस्तों वो द्विसदनात्मक है। अब विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश में 403 दोस्तों इसमें राज्यों से हैं, प्लस एक इसमें एंग्लो इंडियन है। ठीक है, तो कुल मिलाकर विधानसभा सदस्यों की संख्या यदि आपसे पूछे तो आपको लगाना है ऑप्शन 404। क्लियर हो गया। अब बात करें दोस्तों वही विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, तो वो है 99 राज्यों से, प्लस इसमें भी एक एंग्लो इंडियन है। ठीक है, जो कि राज्यपाल के द्वारा दोस्तों मनोनीत किया जाता है, एक एंग्लो इंडियन। तो कुल मिलाकर विधान परिषद की सीटें हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में 100, यानी कि 100, तो कितनी 100 हैं। लोकसभा, ठीक है, लोकसभा दोस्तों, लोकसभा की सीट है उत्तर प्रदेश में 80, और राज्यसभा की सीट है 31। सबसे ज्यादा दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही है। अब उत्तर प्रदेश का दोस्तों उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय है इलाहाबाद, खंडपीठ है उसकी लखनऊ। अब आपसे ये भी पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की जो भाषा है वो कौन सी है। सबसे ज्यादा दोस्तों उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, उसके बाद में उर्दू दूसरी उसकी राजभाषा है। तो आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश की राजभाषा कौन सी है, हिंदी। दूसरी राजभाषा है कौन सी, उर्दू। ठीक है, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा राजकीय पशु कौन सा है, तो राजकीय पशु है दोस्तों उत्तर प्रदेश का बारहसिंगा। क्लियर हो गया। और राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौच। ठीक है, राजकीय वृक्ष की बात करें तो वो है अशोक का। ठीक है, अशोक का वृक्ष। और राजकीय पुष्प की बात करें तो दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश। ठीक है, राजकीय दोस्तों जो चिन्ह है, ठीक है, राजकीय चिन्ह है यदि उसकी बात करें तो मछली है। और स्थापना दिवस पुनर्गठन, ठीक है, राज्य का पुनर्गठन स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956।
क्लियर हो गया। अब थोड़ा इसके आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950, लेकिन पुनर्गठन वाला पूछे तो पुनर्गठन जो किया गया था इसका उत्तर प्रदेश राज्य का, वो 1 नवंबर 1956 को किया गया था। तो आपसे आपसे खुद पूछ लेगा वो कि पुनर्गठन स्थापना दिवस, तो आप लगाएंगे 1 नवंबर 1956, और स्थापना दिवस बोले तो 24 जनवरी 1950। ठीक है, राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 यानी कि स्थापना दिवस इसका माना जाता है। राज्य का विभाजन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को इसका विभाजन हुआ था राज्य का। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल है 2,46,928 वर्ग किलोमीटर, और देशों में दोस्तों क्षेत्रफल के मामले में कुल इसका चौथा स्थान है। सबसे बड़ा दोस्तों कौन सा है? राजस्थान क्षेत्रफल के मामले में, और चौथा है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है दोस्तों? वो है लखीमपुर खीरी, और न्यूनतम क्षेत्रफल यानी कम क्षेत्रफल वाला जिला है उत्तर प्रदेश का संत रविदास नगर। ये वीडियो ए टू जेड बहुत अच्छी वीडियो है आप सभी के लिए। चलिए विस्तार बताते हैं। सबसे पहले अक्षांश से विस्तार, 24 डिग्री 30 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 52 मिनट, ठीक है, यानी कि उत्तर तक। और देशांतरी विस्तार है इसका 77 डिग्री 49 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्व तक। ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक की दोस्तों जो लंबाई है वो है 650 किलोमीटर पूछा जा चुका है। और उत्तर से दक्षिण, देखिएगा, पूर्व से पश्चिम ये हो गया और उत्तर से दक्षिण ये हो गया, तो पूर्व से पश्चिम की जो ना वो है 650 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की 240 किलोमीटर दोस्तों क्या है इसकी लंबाई है। कुल मंडल या संभागों की संख्या 18 है, कुल जिले 75, कुल तहसील दोस्तों अब 340 हो गई है। पहले मैं आपको 313 बता रहा था, लेकिन वर्तमान आंकड़ों के अनुसार इसमें इजाफा हो गया है, अब 340 हो गई है। लोकसभा सदस्य 80 और राज्यसभा सदस्य दोस्तों कितने हैं इसमें? 31। वही विधानसभा की सीट में बता चुका था 330+1 यानी 303 राज्यों से और एक इसमें एंग्लो इंडियन। विधान परिषद में 100 सीटें हैं 99 राज्यों से और एक एंग्लो इंडियन इसमें है। जनसंख्या दोस्तों ये है, और इसमें जनसंख्या के मामले में 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश का प्रथम यानी देश में प्रथम स्थान है जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अब 2021 में दोस्तों जनगणना होनी थी, क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा भाई 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में या फिर कोई से भी प्रदेश हो भारत में 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। 2011 से 2021 में होनी थी, तो दोस्तों कोरोना की वजह से वो स्टार्ट नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वो है इलाहाबाद, जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या है। ठीक है, और वो जिला है इलाहाबाद। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है दोस्तों महोबा। ठीक है, साक्षरता की बात करें यानी कि पढ़े लिखे की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों 67.7% लोग पढ़े लिखे हैं। इसमें से पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं? 77.3%। ठीक है, और 67.7% तो ऑल लेडीज महिला मतलब जेंट्स मिलाकर। ठीक है, और यदि पुरुषों की बात करें मेल कैंडिडेट की तो वो 77.3% लोग पढ़े हुए हैं, और स्त्री जो है 57.2%, यानी कि 100 में से 57.2 यानी 57 महिलाएं लगभग 100 में से पढ़ी लिखी होती हैं। क्लियर हो गया। सर्वाधिक जो साक्षरता है ना, सर्वाधिक साक्षरता यानी सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे हैं वो रहते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक साक्षरता वाला उत्तर प्रदेश में नहीं रहते सर्वाधिक, क्योंकि केरल की 94% है। ठीक है, गलती से निकल गया। चलिए मैं आपको उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर, जिसमें 80.12% लोग पढ़े लिखे हैं, याद रखिएगा, बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। न्यूनतम साक्षरता यानी कम साक्षरता, जिसकी सबसे कम है वो है 46.67%। ठीक है, 46.7%, तो ये न्यूनतम श्रावस्ती जिला है दोस्तों, जिसमें 46.7% लोग केवल पढ़े हुए हैं। लिंग अनुपात कितना है दोस्तों? लिंग अनुपात 912 है उत्तर प्रदेश का। कहीं कहीं आपको यदि ये नहीं मिलता है 912 है तो आप याद रखिएगा 908 भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है, एक मिलेगा या तो 908 या 912। लिंग अनुपात क्या है दोस्तों? 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। क्लियर हो क्या? चलिए प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो वो थे सरोजिनी नायडू, और सर्वोच्च मतलब जो सर्वोच्च पर्वत है ना वो कौन सा है? आमसोत। ठीक है, आमसोत सर्वोच्च पर्वत शिखर है। प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू, मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलासिया टेसु, राजकीय पक्षी सियारस,
राजकीय पशु बारहसिंगा। प्रमुख नदियां हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की गंगा एंड यमुना। उच्च न्यायालय इलाहाबाद जो कि 1800 कब हुआ था, 66 में स्थापित हुआ था, उसकी खंडपीठ कहाँ है, लखनऊ में। तो ये भी पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है यानी कि उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई, 1866 में हुई। भाषा कौन सी है सबसे राजभाषा कौन सी है, वो है हिंदी, दूसरी उर्दू, और ये कब से स्वीकृत है, 1989 से। उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो कौन सी है, हिंदी है, राज की भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में, ठीक है। प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली, अवधी, खड़ी बोली व पांचाली हैं। चलिए प्रमुख लोकगीत के बारे में बात करते हैं। प्रमुख लोकगीत हैं उत्तर प्रदेश के बिरहा, चैती, ढोला, कजरी, आल्हा, पूरन, रसिया, भगत, ठीक है, और भरत हरी। क्लियर हो गया, प्रमुख लोकगीत हो गए तो ये, और लोक नृत्य नौटंकी, रासलीला, झूला, छपेली, दिवाली, ठीक है, कजरी और करीना, ये क्या हो गए इसके लोक नृत्य है। प्रमुख मेले कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश के, याद रखिएगा, कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला, माघ मेला, देवा शरीफ मेला, ढाई घाट मेला, देवी पाटन मेला, ताज महोत्सव, राम बारात मेला और कैलाश मेला, ये प्रमुख मेले और उत्सव हो गए, ठीक है। चलिए प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश के, मैं पूरी आप सभी को जो उत्तर प्रदेश जी के ना वो शुरू से लास्ट तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, सॉपस्टोन, जिप्सम, ग्लास सेलेंट, ठीक है, संगमरमर, और एक होता है दोस्तों फास्ट फ्लोराइट, ठीक है। तो ये प्रमुख खनिज है उत्तर प्रदेश के। वन एवं राष्ट्रीय उद्यान कौन सा उत्तर प्रदेश का, वो है दुधवा राष्ट्रीय स्थान, ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि लखीमपुर खीरी में है, याद रखिएगा। वनों का जो क्षेत्रफल है ना उत्तर प्रदेश में 6.8%, ठीक है, वन है मात्र, और प्राणी उद्यान दोस्तों कानपुर और लखनऊ में है। चलिए थोड़ा मैं आप सभी को उसके बारे में बता दूं भाई, महाजनपद काल, आप लोगों को पता है दोस्तों जो महाजनपद थे दोस्तों, इसमें 16 महाजनपद थे, लेकिन 16 में से दोस्तों 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत ही आते थे, ठीक है। तो चलिए याद रख लीजिए कौन कौन से थे, देखिए कुरु, ठीक है, और क्षेत्र का विस्तार था इसका कुरु का, दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर, ठीक है, इंद्रप्रस्थ दिल्ली के पास इनकी राजधानी थी, और इंद्रपाल दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली के पास इंद्रपाल। पांचाल महाजनपद था, ठीक है, क्षेत्र का विस्तार बरेली, बदायूं और पांचाल तक था। राजधानी अहिछत्र, बरेली के पास रामनगर दोस्तों इसका क्या था, राजधानी है अहिछत्र, ये स्थित है। सूरसेन ये महाजनपद था, मथुरा के आसपास इसका क्षेत्र विस्तार था और राजधानी भी मथुरा थी, ठीक है। वत्स इलाहाबाद के आसपास दोस्तों क्षेत्र विस्तार था, राजधानी थी इसकी कौसाम्बी। क्लियर हो गया, चलिए आगे देखते हैं। कौशल, कौशल दोस्तों जो महाजनपद था इसका विस्तार अवध में था, ठीक है, साकेत और श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। मल्ल महाजनपद कुशीनगर में था, कुशीनगर यानी कांस्या, पावा, पडनौर में दोस्तों इसकी राजधानी थी। काशी, काशी दोस्तों जो महाजनपद था ये वाराणसी इसकी राजधानी थी, ठीक है, वाराणसी इसकी राजधानी थी और वाराणसी में इसका क्षेत्र का विस्तार था। चेदी, चेदी महाजनपद का दोस्तों जो विस्तार था बुंदेलखंड और राजधानी थी इसकी सूक्तिमती। तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में दोस्तों थोड़ा सा आप सभी को मैं बता चुका हूँ। चलिए मैं और थोड़ा सा बता दूं, ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है, वो है लंबवत, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650, दक्षिण से उत्तर की जो चौड़ाई है, ठीक है, वो है 246। राजभाषा हिंदी, दूसरी राजभाषा उर्दू, ठीक है, विधान जो विधायिका आना दोस्तों वो उत्तर प्रदेश की द्विसदनीय है, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनी हुई है। क्लियर हो गया, स्त्री एवं पुरुष का जो लिंग अनुपात है 908/1000 यानी 908 अनुपात कितना है दोस्तों, वो है आपका 1000। जनसंख्या का घनत्व भी पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या का घनत्व है ना दोस्तों, याद रखिएगा, वो है 828 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, ठीक है भाई, याद रखिएगा। चलिए मैं आप सभी को और थोड़ा इसके बारे में बता दूं, वैसे मैं सारा चीज बता चुका हूं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है ललितपुर और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है दोस्तों गाजियाबाद, याद रखिएगा। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है जौनपुर और न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला है दोस्तों कानपुर नगर व गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों मैं थोड़ा आपको लिख बताऊंगा, उत्तर प्रदेश में नगर एवं नगर समूह कितने हैं, 689 हैं, याद रखिएगा। अगला पॉइंट, सामुदायिक विकास खंड है उत्तर प्रदेश में 822, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। न्याय पंचायतें हैं 8135 उत्तर प्रदेश में, न्याय पंचायतें हैं, और ग्राम सभाएं हैं लगभग 51914 है, और आबाद ग्राम है दोस्तों 97941, ठीक है।
तो ये पूरे दोस्तों उत्तर प्रदेश का मैं बता चुका हूँ आपको, और सीमावर्ती राज्य, और सुन लीजिए एक बार, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं। उसमें दोस्तों उत्तर में उत्तराखंड है और नेपाल है, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है, पूर्व में बिहार झारखंड, वे पश्चिम में हरियाणा दिल्ली व राजस्थान है, और दक्षिण में मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ हैं। तो ये बिल्कुल पूरी डिटेल के साथ में आप सभी को दोस्तों बताया गया है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, थोड़ा सपोर्ट करें। फिलहाल थैंक यू एंड बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।